सुरमई फिश होती है। यस फिश है ये। ओके तो ये सबसे बेस्ट फिश है, मतलब फिश में जो सबसे अच्छी मानी जाती है। घर की तरह खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए। बिल्कुल। ऐश्वर्या खड़ी है हमारे सामने हमारी टाइगर को लेने के लिए। तो गाइस ये था रिज़ॉर्ट सी ब्रिज जहाँ पर कि रुके हुए थे रात को। काफ़ी कंफर्टेबल स्टे रहा, बढ़िया रहा। और अब निकल रहे हैं हम अगरदंडा होते हुए, यानी कि फिर दोबारा से बोट पर हमें अपनी बाइकें चढ़ानी पड़ेंगी और फिर दूसरी साइड उतरेंगे। तो फटाफट निकलते हैं, ऑलरेडी 1:30 बज चुका है, लेट हो गए हैं, तो निकला जाए। कोंकण में यार ह्यूमिडिटी बहुत है, चाहे आप गर्मी में आओ सर्दी में आओ, ये तो है। मुझे लग रहा है इसकी बैटरी डाउन हो गई है, तुम्हारी वाली की शायद। चलो ओके जी, चल भाई ओके, थैंक यू। काफ़ी अच्छा बना हुआ ये रिज़ॉर्ट, तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूँगा आपको अगर इस साइड आ रहे हो तो। उस भीड़ भाड़ वाले मुरुड सिटी, वहाँ ना रुककर आप इस साइड कहीं रुकोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब लगी ठंडी ठंडी हवा। आज का डेस्टिनेशन कोई भी प्लान नहीं है, कहीं पर भी रुक सकते हैं। वैसे कोशिश करेंगे हम हरिहरेश्वर या फिर उससे आगे निकल जाएं। सो गाइज़ ये चल रही है कोंकण सीरीज़, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। दिल्ली से मैंने स्टार्ट किया था, पहले किया राजस्थान, फिर गुजरात में एंटर किया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, और अभी कोंकण कोस्टल रोड में कर रहा हूँ। तो आपको अच्छे अच्छे नज़ारे हम दिखा रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी है पिछले वीडियोस तो जाकर ज़रूर देखिएगा। ये आ गया मुरुड, और यहाँ पर एक मार्केट लगी हुई है, मच्छी मार्केट है, और मछली की स्मेल काफ़ी आ रही है इधर। मुरुड जंजीरा मुझे बहुत सही लगा, एक्चुअली बोट के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं मुझे। हाँ बोरा जंजीरा फोर्ट, चलो चलो चलो। ये जो पूरा रूट है बिल्कुल सी के साथ साथ चलता है, और ऐसे ऐसे शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी उस फोर्ट पे गए थे हम, जंजीरा फोर्ट, जो कि एक नंबर लगा मुझे। ये आया कोई मंदिर जो कि काफी खूबसूरत बना हुआ है, ये देखिए। कहाँ रह गए हमारे अनिल भाई? सर जी अगरदंडा इधर जेटी। ओके थैंक यू। अरे अगरदंडा तो पहुंच गए। हाँ यहाँ से 2 किलोमीटर है, चलो। सो गाइस दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस वी आर गेटिंग। और जेटी में जाना, बाइक को ट्रैवल कराना, दूसरी जगह से दूसरी जगह लोड करके ट्रैवल करना, मज़ा आता है। करके देखना, अल्टीमेट वाली फीलिंग आएगी। ये आ गया शायद अगरदंडा वाला गांव, अगरदंडा का गांव। इधर जाना है या इधर जाना है अब ये नहीं पता है, किधर जाना है, इधर 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 बता रहे वो। चलो 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 चलो। ओके तो ये आ गए हम अगरदंडा चेटी पर। सीधा चढ़ा दे क्या, फोटो लेना है, चले टिकट टिकट। ऐश्वर्या खड़ी है हमारे सामने,
हमारी टाइगर को लेने के लिए उस बोट का नाम है। कितने की टिकट है? 70 पर पर्सन बाई बाइक 70 टोटल। ओके, और वैसे बाइक का नंबर HR26ED 82। अपनी गाड़ियों के नंबर ध्यान नहीं रहते। 140। ये गूगल पे है, कैश तो नहीं है। बाइक का 45 है, बाकी 25 रुपये पर पर्सन है। इकोनॉमिकल है, ठीक है। वैसे तो 10 मिनट के अंदर क्रॉस कर लेंगे हम, शायद वो पहाड़ के पास जाएंगे। ये है अग्रदंडा फेरी रूट। निकले हाँ, दिखाना दिखा दो। किसको दिखाना? ये है हाँ, वो यहीं से टिकट मिलेगी। चले आप एंट्री लो। नहीं नहीं वीडियो लेना है मैंने। लो जी सेकंड फेरी। आगे 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 आगे। नाइस, वी आर ऑन फेरी अगेन। सब लोग देख रहे हैं अपनी बाइक को, ये देखो मजबूत है, मजबूत है। हाँ हाँ, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं। ओके जी, तो ये है ऐश्वर्या RTN 400030। 6-7 कारें हैं और बाइक्स हैं। ये देखो जी, कैसा लग रहा है? जैसे पहले लग रहा था, जैसे पहले लग रहा था। नहीं, डीजी द वंडरर के साथ घूम के। अरे लंच होगा, क्या क्या मिल सकता है? अच्छा थाली मिलेगा, कोंकण थाली, कोंकण वाला जो प्रॉपर थाली होता है। दो चपाती आएगा, दो सब्जी आएगा, ग्रेवी सूखा। अच्छा, और राइस प्लेट भर के आएगा, सब्जी प्लेट भर के आएगा। श्री सदगुरु कृपा खाना वल। अबे गिर मत जाइयो टाइगर, तू गिर गया ना तो उठाना मुश्किल है तुझे। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, कोई छेड़ेगा तो नहीं गिरेगा। ओके चलो भाई, पेट पूजा करते हैं क्योंकि बहुत देर से भूख लग रही थी। सुबह से सिर्फ हमने बड़ा पाव, हाँ बड़ा पाव खाया था। भारी बैठते हैं यहाँ पे। तो ये आ गई अपनी थाली वेज। सो शुरू किया जाए? यस ऑफ कोर्स। सो गाइस, अभी हमने मंगाई है कोंकण थाली और बेसिकली मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है, और ये बताएंगे अनिल भाई। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मंगाई है। नॉनवेज थाली, एक्चुअली उसके अंदर फ़िश है, फ़िश का नाम मुझे नहीं पता क्या है, और मैंने मंगाई है प्रॉपर वेज थाली क्योंकि यार मैं ज़्यादातर वेज ही खाता हूँ। जब मजबूरी होती है तब मैं टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। ये जो फ़िश है, नाम क्या था? सुरमई। सुरमई, ओके। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि वेज थाली के अंदर क्या क्या है। वेज थाली मुझे नॉर्मली लग रही है, ये है सैलेड है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, और ये क्या था? दाल है, अचार। ये दाल है और अचार। इधर अचार दिया हुआ है, ये है कर्ड है, और ये किस चीज़ की सब्जी है? पत्ता गोभी। और ये आलू मटर। आलू मटर, तो ये नॉर्मल सी वेज थाली ही लगी मुझे। और एक पापड़ दिया है, दो चपाती है, तो इसके अंदर तो ये है। बाकी इसके अंदर और राइस आएगा भी? आएगा। ओके थैंक यू। तो अनिल भाई, इसके अंदर क्या क्या है? ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये सुरमई है। हाँ। सैलड आ गया आपके पास, चपाती। सुरमई फिश होती है? यस फिश है ये। ओके, तो ये सबसे बेस्ट फिश है, मतलब फिश में जो सबसे अच्छी मानी जाती है।
ये आ गया पापड़ आपका, फिश करी सोल कड़ी, ये आपके लिए आई थिंक न्यू रहेगी, तो ये बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, बहुत अच्छी आती है। ओके, ये फिश करी है। यस, फिश करी। तो है इसको कैसे खाएंगे? प्रॉन्स करी। अच्छा, प्रॉन्स करी डाला आपने। ओके, प्रॉन्स करी है। ओके ओके, प्रॉन्स प्रॉन्स डाला है। तो स्पून रहेगा, स्पून से मैं दिखा सकता था इनको। और इन दोनों थाली का अलग अलग नाम है, क्या क्या है? यस, ये कोंकण इसमें आ जाती है थाली में। ओके, और वेज भी, इसको भी बोल सकते हो। ये दाल जो है आपको नॉर्थ वाला टेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ का हिसाब से टेस्ट किया गया है इसको, तो आपको डिफरेंस समझेगा जब आप खाओगे। एक बार ट्राई करके देखो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि तूर दाल और मूंग दाल की मिक्स है। वैसे हमारे उधर दिल्ली के अंदर तुअर बोलते हैं, तो तूर दाल और मूंग दाल की ये दाल है। नमक थोड़ा कम लगा मुझे, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाता हूँ। बढ़िया, इसके लिए आपको पिकल लिए गए। ऐसे नमक है हमारे पास, एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो ये भाई साहब है जिन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया है हमारे लिए। और ये टाइगर, ये टाइगर, ये प्रॉन्स है बेसिकली। ओके, जिसकी बात कर रहे थे ना आप, पूछ रहे थे कि ये कौन सी करी है, ये प्रॉन्स करी है। और ये प्रॉन्स को देख सकते हो आप। सो ये है प्रॉन्स करी और ये प्रॉन है। यस, ये प्रॉन्स है, बेसिकली सी फूड है। हम प्रॉन्स करी से स्टार्ट करते हैं, सो दैट एक आइडिया हो जाए आपको। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और ये है सोल कड़ी। हम्म, जो नॉर्मल कड़ी होती है वो तो पीले रंग की होती है, और ये सोल कड़ी, हाँ, पिंक कलर की। ये बेसिकली ये सोल कड़ी प्रिपेयर की जाती है, कोकम होता है, तो आपने सुना रहेगा शायद से, और नारियल दोनों का मिक्स पेस्ट बना के जो है फिर ये रेडी किया जाता है। ओके, तो ये वेज वाले भी खा सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स वेज ही है दोनों। ओके, थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा इसमें। हाँ, मेरे वाले में कम था थोड़ा। अच्छा, तो थोड़ा, लेकिन नो डाउट सुरमई जो है ऑलवेज, मतलब सबकी फर्स्ट चॉइस बोल सकते हो आप, तो फिश में जो है सबसे बेस्ट यही है। बाकी अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी लोगों का अपने अपने टेस्ट भी हैं, बट सबसे बेस्ट यही है। सोल कड़ी एक बार मैं चख के देखता हूँ। यस, है ना। इसको इसको किस चीज़ से खाते हैं? सोल कड़ी पीते हैं इसको, इसको पीते सिर्फ। हाँ, ओके, लास्ट में जब जो खाने के बाद पी लो तो डाइजेस्ट अच्छे से होता है। मतलब जैसे हम लोग, आपने देखा रहेगा हमारे इधर नॉर्थ में थाली होती है तो साथ में छाछ पीते हैं। छाछ पीते हैं, तो छाछ का सेम जो है दूसरा वर्जन है। हाँ, ओके, सोल कड़ी। यस, तो ये हमारे वाली कड़ी नहीं है जो पीले रंग की होती है, ये दूसरे वाली कड़ी है। हाँ, पिंक कलर की है ये। यस, इसको आप कंपेयर कर सकते हो छाछ के साथ। छाछ के साथ, ओके। हैं, थोड़ा मिर्ची है। हाँ, इसमें थोड़ा मिर्ची है, मुझे लगा। ओके, हल्का सा गले में लगा मुझे, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा। पर प्राइस भी पता कर लेते हैं कि ये दोनों थाली हमें कितने की पड़ी। वेज थाली 120 रुपए में आया था। ओके, पेट भर खाना मिलता है उसमें। मतलब ये जो भात मिलेगा आपको, जितना मर्जी खाओ, जितना खाने का उतना खा सकते हैं। खा सकते हैं, पेट भर के खाना मिलेगा। और ये जो नॉन वेज थाली थी, फिश वाली, नॉन वेज थाली के, सुरमई थाली के 280 रुपया। 280 रुपये। और कल कितने का था? मतलब सिमिलर है, सही है, सिमिलर ही है, बट वहाँ पे कुछ 340 का था समथिंग। ओके, यहाँ पे काफी इकोनॉमिकल प्राइस है और बहुत घर की तरह खाना मिल रहा, और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल। तो भाई, जो खाना हमने खाया किसने बनाया? इन्होंने बनाया जी। आप बहुत प्यारा फूड बनाया, इतना टेस्टी फूड खाया ना, जो कोंकण थाली थी, मज़ा आ गया सीरियसली। अनिल भाई, कैसे लगी? एक नंबर, एक नंबर ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वेलकम सर। थैंक यू सर, बिल्कुल आएंगे, दोबारा आएंगे, तो यहीं पे रुकेंगे हम, जरूर आना। और ये है सदगुरु कृपा खाना वल। हाँ, अगरदंडा से रोड कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। काफ़ी दिनों से धीरे धीरे बाइक चला रहे थे सिंगल लेन पर, और थोड़े गड्ढे वड्ढे थे, लेकिन अब ये देखो मज़ा आ गया। अभी मैं अच्छे रोड की बात कर रहा था, अब रोड बिल्कुल ख़राब आ गया। तो भाई, ट्रैवलिंग में ये तो है कि आपको अच्छे रोड भी देखने को मिलते हैं, ख़राब रोड भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं एक रोड ट्रिप पर। वहीं जब आप फ्लाइट से जाते हो तो भाई सीधा डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो, लेकिन एक रोड ट्रिप रहता है। अच्छा आ गया। सो गाइस, एक ड्रोन शॉट लिया है जो कि मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। वो जगह, मैं तो वैसे ही रुका था, एक वाटरफॉल सा मुझे लगा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई पीछे तो अलग ही दुनिया, यानी कि एक डैम नज़र आया मुझे। भाई साहब, क्या ड्रोन शॉट आया है, क्या व्यू आया है, आप ड्रोन शॉट देखो।
दिल गदगद हो जाएगा। सो इस वाले हाईवे का नाम है SH-98। तो पतला सा रास्ता है, स्टेट हाईवे लग रहा है मुझे, और अभी भी यहाँ से 22 किलोमीटर दिखा रहा है हरिहरेश्वर। लेकिन हरिहरेश्वर से पहले ही ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई पहले होटल वगैरह ले लो, ज़्यादा बेटर है एक मेन स्पॉट से, क्योंकि होता क्या है कि बढ़िया मिल जाता है आउटस्कर्ट्स में। रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, अपना काम तो चल रहा है, बाकी अनिल भाई थोड़ा सा जूझ रहे होंगे क्योंकि टाइगर के सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। और ये गाय माता हमारी कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोमाइत्सु। तो हाँ, हम अंदर से कहीं से आ गए हैं। हाँ, कोई नहीं, मुझे लग रहा है हमने कहीं पर ना गलत टर्न ले लिया। तो ये वाला रास्ता श्रीवर्धन चौपाटी जाता है, 5 किलोमीटर है यहाँ से, और दिव्यागार चौपाटी यानी कि बीच भी 22 किलोमीटर है, और आवी चौपाटी, तीन बीच है यहाँ पर, है तीन बीच है इस साइड। ये जो अरबी बीच है ना, हाँ, ये बाइक स्टैंड बीच है। अच्छा, हाँ, तो क्या करें, श्रीवर्धन रुके या हरिहरेश्वर रुके, बताओ आप बताओ। तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा फिर, है ना। ऐसा करते हैं श्रीवर्धन चलते हैं, वहाँ पे रूम वगैरह देखते हैं। आप तो सिटी है, अच्छी सिटी है तो मिल जाएगा, है ना। तो भाई डिसाइड ये हुआ है कि हम थोड़ा सा उल्टा जा रहे हैं, 5 किलोमीटर श्रीवर्धन बीच है, आज का स्टे वहाँ पर लेंगे, और कल सुबह निकलते हुए हरिहरेश्वर वगैरह देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है, तो इस पे देखें, हाँ हाँ आओ। पठान्स रिजॉर्ट है या आगे चले? हाँ, रिजॉर्ट मतलब ये हाईवे के साथ क्या रिजॉर्ट ये भी है, रिजॉर्ट मतलब फॉरेस्ट वाली फील। चलो फिर आगे चलते, आगे है रुकने का। हाँ, एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर, आओ तुम्हें हम सब्सक्राइब करवाएं, इधर आओ देखो
जिस स्टेट में जाता हूँ सबसे सब्सक्राइब करवाता हूँ। जो पूछता है भाई आपका चैनल है, हाँ जी है, बिल्कुल है। तो दो भाई लोग मिले हैं हम दिल्ली से। तो सब्सक्राइब कैसे करना है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे लिखना है XTREME, अपने आप पहले नंबर पे आ जाएगा एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। तो आपको करना क्या है, यहाँ जाना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, हाँ तो ऑन करो ना उसको, तभी तो आएगा ना। ये लो ऑल नोटिफिकेशन। तो अब वीडियोस देख लेना, अभी दिल्ली से स्टार्ट किया था, सारे के सारे वीडियोस हैं, ठीक है। तो दिल्ली से राजस्थान किया मैंने, फिर गुजरात किया, फिर अब यहाँ पे आया महाराष्ट्र। अब हाँ तो स्टे, अच्छा स्टे का क्या है, कुछ है मिल जाएगा? अच्छा बाहर से आए हो, ओके इधर चलते हैं फिर, है ना, देखते हैं कुछ मिल जाता है तो देखते हैं आगे। हाँ हाँ बिल्कुल, लो जी फोटो लो। श्रीवर्धन नगर परिषद, जिला रायगढ़। ओके किले बन रहे हैं भाई, अब जद्दोजहद होगी होटल को ढूंढने की, होटल रिजॉर्ट या जो भी मिल जाए, बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। श्रीवर्धन पुलिस थाने, लो जी श्रीवर्धन सिटी पहुंच गए हम। और ये यहाँ का दमकल केंद्र है, पीछे चौकी थी पुलिस चौकी और पीछे था प्रवेश द्वार। तो आज का स्टे श्रीवर्धन में होने वाला है, हमने सोचा क्यों ना श्रीवर्धन बीच भी देख ही ले, क्योंकि 16 किलोमीटर आगे जाना पड़ रहा था हमें और फिर मिस हो जाता श्रीवर्धन। ओके डन डन डन, अपना स्टे हो गया बुक पतंगे रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट में। एक्चुअली यार सिटी पूरा घूम लिया, श्रीवर्धन बीच भी घूम आए कोई अच्छा स्टे मिला नहीं, तो वापसी घूम घाम के पतंगे आ गए हम। तो यहाँ का रूम दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, फटाफट चलते हैं फ्रेश होते हैं फिर बात करते हैं। हाँ जी तो अपन फ्रेश हो गए नहा धो के, बाकी रूम की एक थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। बाकी पूरा रूम टूर मैं दूंगा आपको अगले व्लॉग में, कितने का पड़ा सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और आज का जो व्लॉग है यहीं पर एंड करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा सायोनारा। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Fango baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Te gusta salir y se lo sirve.